सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता जूही की कली। पहले निराला जी के बारे में हम जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपार झेल नीलकंठ व्यक्तित्व अपनी अनूठी विशिष्टताओं के कारण अन्यतम रहा है। निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादन नामक देशी राज्य में हुआ। इनका वैयक्तिक जीवन विषम परिस्थितियों का समुच्चय है। पत्नी का निधन, इकलौती संतान सरोज की मृत्यु, संपादकों की शोषण वृत्ति के समन्वित प्रभाव ने उनके मन में असुंदर की विषम संवेदना उत्पन्न कर दी थी। इनकी प्राकृतिक उदार चेतना एवं मानवतावादी विचारों ने इन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया था। जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए 1962 में इनका देहावसान हो गया। अतिशय उदारता और अतुल संवेदनशीलता के कारण इन्हें महाप्राण की संज्ञा प्राप्त हुई थी। सन 1916 से 1958 तक ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। निराला जी की छायावादी रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास हैं। अब मैं कविता को पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। जूही की कली। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी। जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशाती, विरह विदुर प्रिया संग छोड़ो किसी दूर देश में ता पवन जिसे कहते हैं मलयामी। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गीत। फिर क्या पवन उपवन करद सरस गहन गिरी कान, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसी की केली कली खिली साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडो। इस पर भी जागी नहीं चूप क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वक्किमो विशाल नेत्र मुंडे रही किंवा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। निर्दयी उस नायक ने निपट निटराली की जोंकों की जाड़ियों से सुंदर सुकुमार देख सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को पेच पास नम्र मुख हंसी की खेल रंग प्यारे संग। अब एक एक चरणों का सारांश हम देखेंगे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी। जूही की कली। विजन यानी निर्जन, कोई एक सुनसान जगह में, एक वन में, एक अरण्य में, एक जंगल के वल्लरी यानी लता में एक तरुणी पवित्रता से भरी हुई बहुत ही खूबसूरत जवान यानी तरुणी कली। जूही की कली यानी श्वेत रंग का या सफेद वर्ण का एक प्रकार का फूल, वो उस वल्लरी पर यानी लता पर लेटी हुई है, विश्राम कर रही है। सोने की लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जूही की कली को नींद नहीं आ रही है। दृग बंद किए शिथिल पत्रांग में वासंती निशाती, विरह विदुर प्रिया संग छोड़ो किसी दूर देश में ता पवन जिसे कहते हैं मलयामी। दृग यानी आंखें, आंखें बंद कर रही है, नींद आने की प्रयास कर रही है लेकिन उसे नींद आ नहीं रही है क्योंकि विरह की
तड़प या बिछुड़ने का गम जो है उसे लगातार सता रही थी अपने प्रिय से, अपने प्रियतम यानी पवन यानी वायु, वो मलयगिरियों में घूम रहा है। अपने आप से प्रियतम को दूर आकर उसके विरह के दर्द में इतनी तप रही है, इतनी जल रही है कि उसे नींद तक आ नहीं रही थी, लेकिन सोने का प्रयास वो कर रही है। आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गीत, फिर क्या पवन। अब उसे बारिक से एक एक बातें बीते हुए कल की जो घटनाएं हैं वो याद आने लग गई, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होकर अब मिलन की रात उनके जीवन में आने वाली है। जुए के कली के भी और पवन के भी दोनों की मुलाकात होने जा रही है। तो मुलाकात से पूर्व मधुर कुछ बीते हुए पलों के बारे में, क्षणों के बारे में जो दोनों ने साथ बिताए हैं उस वक्त के बारे में वो याद कर रही है। तो उसे बिछड़ने का गम वो भुलाकर उसे अब मिलन की बात याद आ रही है। तो उसका तन मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत ही उत्साह से वो भरी हुई है, नव उल्लास चेतना उसमें दिखाई दे रहा है। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, चांदनी से धुली हुई आधी रात उसे याद आ रही। वो यही रात है जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। आज फिर से उनकी मिलन की घड़ी आने वाली है, तो वही चांदनी उनके प्यार की, उनकी मिलन की साक्षी बन रही है। तो उसे वो लगातार याद कर रही है। अब पवन भी मलयगिरी पर्वतों से वो वापस आते वक्त उसके मन में भी ढेर सारे सवाल है। वो भी अपने प्रिय से मिलने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए वो भी तड़प रहा है। तो आते वक्त वो भी क्या क्या सोच रहा है, यानी उपवन सरग सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की खेली कली की साथ। तो आते वक्त लंबे सफर से, यात्रा बहुत बड़ी थी, तो आते वक्त उसे बहुत जंगल मिल जाते हैं। तो जंगल के बीचों बीच बड़े बड़े वृक्ष, लता यानी वल्लरियां और पुष्पों का गुच्छ वहां है। तो उन सभी को पार करते हुए सुगंध अपने अंदर भर कर वो अब जूही की कली को मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे इंडोल। जैसे ही पवन अब जूही की कली के पास पहुंचा, वो सेज पर सोई हुई थी, गहरी निद्रा में अब वो पड़ चुकी है। उसे ज्ञात भी नहीं कि उसके सामने उसका प्रियतम आ चुका है, लेकिन यहाँ पवन ने जैसे ही देखा कि उसकी प्रिया बहुत ही घोर निद्रा में वो पड़ी हुई है, तो उसने क्या किया, यानी उसके नजदीक जाकर, निकट जाकर प्यार से उसके कपोल यानी गाल को चूम लेता है, स्पर्श करता है। जैसे ही उसके गाल को स्पर्श पवन करता है, एकाएक वो तड़प उठती है, जैसे टिंटोलना यानी यहाँ झूला झूलने के बांधी वो तड़प रही है। इस पर भी जागी नहीं, चूप क्षमा मांगी नहीं, इतने में भी वो जाग नहीं होती है, गहरी निद्रा में है, तो एकाएक जागना असंभव है किसी के लिए भी। तो यहाँ जुए की कली भी बहुत ही गहरी निद्रा में है, तो वो जागृत नहीं होती है, जागी नहीं तो क्षमा कैसे मांगेगी, तो क्षमा भी अपनी ओर से उसने मांगी नहीं है। निद्रालत वंग की मुंह विशाल नेत्र मुंदे रही, किंवा मत वाली थी यवन की मदिरा पिए कौन कहे। तो जैसे ही उसे ब्रात हुआ कि मैं मेरे सामने पवन आकर वो खड़े हुए हैं, तो एकाएक वो निद्रा से जागृत होती है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में निद्रा का नशा अब तक उतरा हुआ नहीं है। आधी नींद उसकी हुई थी और पूरी नींद हो नहीं गई है, तो नींद टूट गई। तो वो निद्रा में ही पवन को देखती है और एकाएक खुश भी है और सहम भी जाती है, क्या ये सपना है या हकीकत है उसके बारे में वो सोचने लगती है। निर्दयुक्त नायक ने निपट निटुराई की जोंकों की जाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी जकझोर डाली। तो अब पवन ही क्या करता है, यानी एक तो निद्रा में है जूही की कली, लेकिन यही प्रयास करता है कि उसके सामने जाता
पकड़ता है और उसे अपने प्यार की जो भाषा है वो समझाने का वो प्रयास करता है। मसलदेवी गोरी कपोल गाल चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को तेज बात नम्र मुखो हंसी किली खेल रंग प्यारे संग। तो अंतिम में पवन अपने पास है, मेरा प्रियतम मेरे पास है, ये जुए की कली को पता चलता है ये ब्रह्म नहीं है हकीकत है। इसके बारे में जैसे ही उसे ज्ञात हुआ तो उसे लज्जा आती है, शर्म के मारे अपने आंखों को झुका लेती है और पवन उसे दबोच लेता है यानी तब के प्यार से पकड़ लेता है और उसे चूमता है। इतने भी इन दोनों की मिलन की जो व्यथा बाकी थी वो पूरी होती है। दोनों अपना अपना प्यार एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। अंतिम में इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी तमाम मुश्किल आए लेकिन वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। एक ना एक दिन दुख चढ़कर सुख के बादल भी आएंगे और उस सुख की वर्षा में हमें भी जूझना है। तो यही संदेश कवि हमें इस पंक्तियों द्वारा दे रहे हैं। सभी को मेरा धन्यवाद।